अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। कल एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन उस फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही एशिया कप से बाहर हो चुकी हुई है। और जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से बाहर हुई है तो उसको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शुएब अख्तर की आज बात करेंगे। शुएब अख्तर ने भी काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तनकीद की है और खास तौर पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उस पर तनकीद की है और बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग कारकर्दगी थी काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया शुएब अख्तर ने। क्या बोला है, क्या कहा है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग के हवाले से और खास तौर पर शादाब खान के हवाले से, तो वीडियो में आज ये डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो शुएब अख्तर की बात करेंगे आज। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है और बोला है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी पूरे एशिया कप में काफ़ी मीडियोकर रही। खास तौर पर उन्होंने निशाना बनाया शादाब खान को और मोहम्मद नवाज को और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को। उन्होंने बोला कि आपने जिम्मेदारी नहीं ली, आपने एक मैच को ईजी लिया, आपने पूरे एशिया कप को ईजी लिया। शादाब खान की बात उन्होंने की और बोला कि शादाब खान सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे। शादाब खान की जो बॉलिंग थी उसमें वो पैशन नज़र नहीं आ रहा था, जो कि पाकिस्तान की तरफ जब खेलते हैं तो वो पैशन होना चाहिए और एक इंटेंसिटी दिखानी चाहिए और काफ़ी एवरेज बॉलिंग करवाई है शादाब खान ने। शादाब खान की बॉलिंग उन्होंने बोला है कि कोई भी टीम होगी जो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, तो शादाब खान की बॉलिंग को टैकल करना बहुत आसान होगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीक लिंक इस वर्ल्ड कप में जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक होने वाला है। उन्होंने बोला है कि आप जो है बेशक आप इन्हीं को खिलाएं, शादाब ही को खिलाएं, नवाज को खिलाएं, लेकिन अगर ये विकेट नहीं लेते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत नुकसान होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने आगे ये भी बताया कि शादाब खान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी टीम के वाइस कैप्टन हैं तो वाइस कैप्टन जो है वो ऑलमोस्ट 90% कैप्टन का ही काम करता है और जब कप्तान ना सोच रहा हो या बाबर आजम जो है वो अच्छी कप्तानी ना कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा था कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो बहुत ख़राब रही है इस टूर्नामेंट में। तो उन्होंने बोला कि शादाब खान का काम था कि जब बाबर आजम ख़राब फैसले कर रहे थे तो शादाब खान को इंड होना चाहिए था और शादाब खान को कुछ बेहतर फैसले करने चाहिए थे ग्राउंड में, लेकिन शादाब खान ने कोई सीनियरिटी का मुशाहिदा नहीं किया, कोई अपने जो इतना एक्सपीरियंस है एमपी ट्रॉफी जीतने का उसका कोई मुजाहिरा नहीं किया और एक फजूल सी एक बॉलिंग करवाई है। तो शुएब अख्तर तो काफ़ी नाराज़ आ रहे हैं शादाब खान से। मोहम्मद नवाज़ की भी उन्होंने थोड़ी बात की और मोहम्मद नवाज़ का बोला कि देखें जब से ये वर्ल्ड कप का जो इंडिया के खिलाफ मैच था मेलबर्न में वो हारे हैं, तब से उनकी बॉलिंग में जो है वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारी मैनेजमेंट है उनको उन पर काम करने की ज़रूरत है, उनके जो साइकोलॉजिकल मसला बन चुका है। उन्होंने बोला है कि मोहम्मद नवाज़ का फॉर्म का मसला नहीं है, मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग का मसला नहीं है, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनके जो दिमाग का मसला पड़ चुका हुआ है उस फाइनल के बाद, उस वो खास तौर पर आखिरी ओवर के बाद, तो वो जो है काफ़ी मोहम्मद रिजवान नवाज़ को हर्ट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जब मेरा भी करियर था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्लेयर की साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है उसको लुक आउट करना होता है मैनेजमेंट ने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो जो है काफ़ी नाकाम रही है प्लेयर्स को लुक आउट करने में। उनके साइकोलॉजिकल तरीके से वो तैयार नहीं थे इस एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए भी वो तैयार नहीं है। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में ख़राब परफॉर्मेंस की वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को बताया है कि जो मैनेजमेंट साथ गई हुई है वो प्लेयर्स को सही गाइड नहीं कर रही है, उनके जो मसले मसाले चल रहे हैं जैसे कि नवाज़ का साइकोलॉजिकल मसला है, बाबर का प्रेशर का मसला है कि बाबर आजम इस वजह से रन नहीं बना रहा है। उन्होंने बोला है कि उसको कैप्टनसी का इतना ज़्यादा प्रेशर है, पीछे से जो प्रेशर आ रहा है आवाम का मीडिया का वो उसको झेल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही है। तो बाबर आजम जो है अब फंस चुके हैं शुएब अख्तर के कहने के मुताबिक कि अब वर्ल्ड कप से पहले तो उनको कप्तान से हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन बाबर आजम की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उनकी कैप्टनसी की वजह से हर्ट हो रही है और जब बाबर आजम रन नहीं बना रहे हैं तो उनसे फैसले भी ग्राउंड में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं और बड़े ही जो आसान फैसले होते हैं वो भी वो कभी एक बार नहीं करते हैं और बड़ा ही फ्लैट कप्तानी करते हैं। तो शुएब अख्तर ने कहा है कि जो साथ मैनेजमेंट गई हुई है उसका रोल है कि बाबर आजम को कॉन्फिडेंस दें, बाबर आजम के साथ जो प्लेयर्स हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको कॉन्फिडेंस दें और किसी तरीके से ये किसी परफॉर्मेंस की वजह से या कोई ऐसा नहीं है कि शुएब अख्तर का कहना है कि ये सारे प्लेयर नहीं हैं इनको खेलना नहीं आता, सबको खेलना आता है, लेकिन ये थोड़े से यहाँ से थोड़े कमज़ोर हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई ये मीडियोकर सोच के बंदे जो पीछे बैठे हुए मैनेजमेंट इनके साथ गए हैं कह रहे हैं उनको बदलें, वहाँ पर कुछ अग्रेशन वाले बंदे लेकर आएँ, कुछ जोश वाले बंदे लेकर आएँ ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी खुलकर परफॉर्मेंस दे सके वर्ल्ड कप में। क्योंकि कह रहे हैं कि आप प्लेयर तो चेंज नहीं कर सकते वर्ल्ड कप से पहले क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है शुएब अख्तर का कहना है, लेकिन आप मैनेजमेंट तो चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट अगर आप अच्छी लेकर आएँ बेशक आप फॉरन कोचेस बनाए हुए हैं लेकिन कुछ जो है लोकल प्लेयर्स भी साथ लेके जाएं जो उनकी ज़ुबान जानते हो प्लेयर्स की ज़ुबान जानते हो, जो मसले मसाइल हैं वो अपनी ज़ुबान में डिस्कस करें अपने लोगों के साथ ताकि उसका बेहतर हल निकल सके। तो शुएब अख्तर की ये सजेशन तो मुझे भी काफ़ी पसंद आई है कि वाकई ही कुछ ऐसे लोग होने चाहिए मैनेजमेंट में जो कि फॉरनर्स ना हो, जो पाकिस्तान की अपनी ज़ुबान समझते हो, उन प्लेयर्स की अपनी ज़ुबान समझते हो और प्लेयर्स अपनी प्रॉब्लम का खुलकर इजहार कर सकें।
यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को इंग्लिश आती है और कुछ प्लेयर तो कोच से इसी डर से बात नहीं कर पाते कि उनको इंग्लिश नहीं आती, वो कहेंगे क्या और वो समझेंगे क्या। तो ये भी मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। ये फैसले नजम सेठी ने किए थे कि हमें जो है वो फॉरेन कोच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये थोड़ा पाकिस्तान के लिए बैकलैश कर गया है और पाकिस्तान और खासतौर पर पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं वो इस सिचुएशन से उछल रहे हैं। तो शुएब अख्तर की जो ये राय है काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि शुएब अख्तर के साथ आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।